आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या केमिकल ट्रीटमेंट्स प्रेगनेंसी में सेफ हैं कि नहीं, कब अवॉइड करना चाहिए और क्या अल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो उसे एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं डॉक्टर सुरुचि पुरी, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ हेयर प्रैक्टिस। तो आज बात करते हैं कि प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस होती है क्योंकि आजकल सभी के एक एक दो दो बच्चे हैं और बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसीज की वजह से हम ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो जो हम केमिकल ट्रीटमेंट्स ब्यूटी को एनहांस करने के लिए करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, ब्लो ड्रायर्स हैं, यानी हीट ट्रीटमेंट्स एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, तो पर्टिकुलरली हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि पर्मिंग हो गई या हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई या केराटिन ट्रीटमेंट्स हो गई, तो ये प्रेगनेंसी में करने चाहिए कि नहीं। तो ये मेजॉरिटी केमिकल ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे बहुत वॉलेटाइल केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, थायोग्लाइकोलेट्स, अमोनिया, पीपीडी। तो ये इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, नंबर वन, दे कैन ट्रिगर एन एलर्जिक रिएक्शन और फर्स्ट 3 महीने स्पेशली जो है एलर्जी का रिस्क भी ज़्यादा है और हम चाहते नहीं कि अगर एलर्जी होगी तो फिर हमें एंटी एलर्जिक्स देने पड़ेंगे या स्टीरॉयड खिलाने पड़ेंगे, विच वी डोंट वॉन्ट। तो अगर हो सके तो ये प्रोसेसेस फर्स्ट 3 मंथ्स में तो पर्टिकुलरली अवॉइड करने चाहिए। प्लस ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो कि कई बार प्रेग्नेंट फीमेल में नौजिया और माइग्रेन ट्रिगर कर सकती हैं, तो अगर हम इन्हें इनसे दूर रहें तो ही बेटर रहेगा। और थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से कि जो पैराफिनाइलिन डाइअमीन है, पीपीडी जो होता है, वो हेयर कलर्स में पाया जाता है, अमोनिया हेयर कलर्स में पाया जाता है, तो ये भी एलर्जिक डर्मेटाइटिस और हेयर को वीक करना, इस तरह के इश्यूज एसोसिएटेड हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च इसमें अवेलेबल नहीं है कि कितना परसेंटेज ये अब्सॉर्ब हो रहे हैं और बाल से अब्सॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम से आके ये फीटस को किस लेवल तक अफेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज नहीं है, बट वी डोंट वॉन्ट टू टेक अ चांस। तो अगर हो सके तो हमें ये सारे प्रोसेसेस को अवॉइड करना चाहिए। हेयर कलर का अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक हिनाज हो सकती हैं जिनमें पीपीडी और अमोनिया ना हो, उसको इंडिगो पाउडर या नेचुरल हिना सब्स्टिट्यूट्स, जैसे घर में ही मेहंदी की लीव्स लेके उनको रात भर भिगो के और लोहे की कढ़ाई में आप उसको कॉफ़ी, आंवला, शिकाकाई, इन सब के साथ मिक्स करके जो आप हेयर कलर की तरह एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बेस्ट at this point of time. So I hope this advice is of use to you and thank you for watching the video.